हाँ मैं ही हूँ वो किलर जिसने उन दोनों महिलाओं की हत्या की। मैंने सेक्स के लिए कहा तो उसने मुझे गाली देकर मना कर दिया। मुझे गुस्सा आया और मैंने दोनों का कत्ल कर दिया। तीसरी भी अगर ऐसा ही करती तो उसे भी मार देता। बलौदा बाजार सीरियल किलिंग मामले में पकड़े गए आरोपी तेजराम ने पुलिस और साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट के सामने ये कबूला है कि भालूकोना गांव में उसने ही दो महिलाओं की हत्या की है। दोनों महिलाओं से तेजराम ने सेक्स की डिमांड की थी। जब महिलाओं ने इनकार कर दिया तो उसने दोनों का मर्डर कर दिया। इसके बाद आरोपी तेजराम तीसरे कत्ल की तैयारी में था। सीरियल किलर तेजराम के इस केस को सुलझाने में बलौदाबाजार पुलिस को पूरे 4 साल लग गए। आरोपी कैसे इतने सालों से पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा, क्यों महिलाएं ही टारगेट होती रहीं और साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट की मदद से कैसे इसे सुलझाया गया, तो चलिए जानते हैं पूरा मामला। 29 मई 2020 को रामायण पटेल ने लवन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी भतीजी अनुपम बाई की लाश भालूकोना के पास महानदी किनारे पेड़ पर लटकती हुई मिली है। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने देखा कि महिला के शरीर पर कपड़े बिखरे हुए हैं, सिर पर गंभीर चोट थी। इस केस में पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे कातिल का पता लगाया जा सके। जब स्पॉट पर पुलिस पहुंची तब पाया गया कि महिला के सिर पर और चेहरे पर गंभीर चोट के निशान हैं। लाश खून से लथपथ थी और घसीटने के निशान मिले थे। पास ही लकड़ी का टुकड़ा भी बरामद हुआ। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार ज़िले के भालूकोना गांव में दोनों हत्याएं गांव के आउटर में हुई थी। मर्डर पैटर्न भी एक ही तरह का था लेकिन हत्यारे का कोई सुराग पुलिस के पास नहीं था। दरअसल तेजराम गांव में ही अपने दोस्तों के साथ शराब पीने बैठा था। उसी समय उसने नशे में अपने साथ बैठे लोगों को इशारे में ये बात बताई, उसे महिलाओं के साथ संबंध बनाने का शौक है और सेक्स की डिमांड पूरी नहीं होने पर उसी ने दोनों महिलाओं की हत्या की है। मुखबिर से मिली जानकारी के बाद ये पता चल गया कि मर्डर करने वाला सीरियल किलर तेजराम ही है, लेकिन आरोपी से जानकारी निकाल पाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई। 12 बार पुलिस तेजराम को पकड़कर थाने लेकर गई लेकिन हर बार वो इशारे से बोल और सुन पाने की वजह से पुलिस को गुमराह करता रहा। इस तरह तेजराम पुलिस को चकमा देने में कामयाब होता रहा और उसे ऐसा लग रहा था कि पुलिस उसे अब नहीं पकड़ पाएगी। पुलिस भी उससे ज़्यादा कुछ उगलवा नहीं पाई। पुलिस अब तक ये मानकर चल रही थी कि तेजराम बोल और सुन नहीं सकता, ऐसे में उससे पूछताछ करना काफ़ी मुश्किल था। इसलिए पुलिस ने साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट की मदद ली और रायपुर से एक्सपर्ट राकेश सिंह ठाकुर को बुलाया गया। पुलिस ये मानकर चल रही थी कि तेजराम बोल और सुन नहीं सकता, इसलिए पूछताछ के लिए जब भी थाने लेकर जाते थे तो कई बातें पुलिस वाले उसके सामने करते थे जिसे सुनकर हर बार वो चकमा दे रहा था, नहीं सुन पाने की एक्टिंग करते हुए पुलिस को भी गुमराह कर रहा था। बार बार पुलिस को चकमा देने की वजह से वो इतना कॉन्फिडेंट हो गया था कि साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट के सामने भी वो ना सुन पाने की एक्टिंग करता रहा, लेकिन जब उसका झूठ पकड़ा गया तब उसने कबूला कि वह सब कुछ सुन सकता है। झूठ पकड़े जाने के बाद तेजराम का कॉन्फिडेंस कम हो गया था, जबकि पुलिस अब उससे उसके किए गए गुनाहों की पूछताछ करना चाहती थी। तेजराम के बारे में पुलिस को ये पता था कि वह पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जैसे ही उसके सामने मरने वाले महिलाओं के नाम लिखे गए वैसे ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। और इसे देखकर एक्सपर्ट ने बताया कि तेजराम में सुनने की क्षमता तो है ही, साथ ही वो कम से कम मिडिल स्कूल की पढ़ाई भी किया हुआ है, क्योंकि मृतक महिलाओं के अलावा कुछ ऐसे शब्द भी लिखे हैं जिनकी पहचान केवल मिडिल स्कूल तक पढ़ाई किया हुआ शख्स ही पहचान सकता है। सवाल जवाब से लेकर तेजराम के फेस एक्सप्रेशन भी वीडियोग्राफी कराई गई ताकि कोर्ट में पुलिस सबूतों के साथ उसे पेश कर सके।
तेजराम ने घटनास्थल से जाने पर वारदात खुद रिक्रिएट कर बताया, जैसे महिला अपने पति को छोड़कर गांव के ही एक आउटर में मां के साथ रहती थी। केस फाइल में इस बात का भी जिक्र था कि महिला और तेजराम के बीच पहले से ही अवैध संबंध थे। एक बार महिला प्रेग्नेंट भी हुई थी और फिर बदनामी के डर से परिवार वालों ने उसका अबॉर्शन करा दिया। इस घटना के बाद से ही उसने तेजराम से मिलना बंद कर दिया था। परेशान होकर तेजराम महिला का पीछा किया करता था। 29 मई 2020 को भी गांव के ही आउटर में महिला को अकेला पाकर महिला से संबंध बनाने की बात कही। जब महिला ने मना किया तो उसे गाली देकर धमका कर गुस्से में आकर तेजराम ने उसकी हत्या कर दी। मामले की पड़ताल के लिए पुलिस तेजराम को घटनास्थल पर ले गई। जब उसने इशारे से पुलिस को बताया कि सिर पर मोटी लकड़ी मारकर हत्या की और कपड़ा लाकर उसकी लाश पेड़ से लटका दी ताकि किसी को भी शक न हो, हत्या की वजह तेजराम ने सेक्स की डिमांड बताई। वही अनुपम बाई की हत्या के बाद जब पुलिस तेजराम को नहीं पकड़ पाई तब उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। वो गांव की ही एक ऐसी महिला की तलाश में था जो अकेली हो, इसलिए 13 मार्च 2023 को विधवा गौरी बाई के पास अचानक पहुंचकर सेक्स की डिमांड करने लगा, लेकिन गौरी ने मना करते हुए उसे वहां से भगाने की कोशिश की, जिसके बाद उसने पहले गौरी को पकड़ कर उसका गला दबाया, पास पड़े पत्थर से उसका सिर कुचल दिया जिससे गौरी की मृत्यु हो गई। पहला गुनाह कबूल करने के बाद दूसरे घटनास्थल पर ले जाते ही तेजराम पुलिस को उस तालाब की ओर ले गया और बताया कि महिला को मारने के बाद पत्थर उसने इसी तालाब में फेंका था। आरोपी ने जो जगह बताई पुलिस को उसी जगह वह पत्थर मिल गया। दोनों मर्डर का खुलासा होने के बाद उसके एक्सप्रेशन तुरंत ही बदल गए और किसी साइको किलर की तरह पुलिस के सामने इशारे से बार बार दावा करता रहा कि दोनों खून उसी ने किए हैं। बोल ना पाने की वजह से बचपन से ही आरोपी तेजराम पटेल का लोग मजाक उड़ाया करते थे। शादी की उम्र होने के बाद भी कोई लड़की नहीं मिल रही थी, इसलिए तेजराम ने विधवा या अकेली रहने वाली महिलाओं को ही टारगेट करना शुरू किया। जब तक महिला से उसकी सेक्स की डिमांड पूरी होती तब तक वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, इनकार करने पर मर्डर कर देता था। पुलिस से हुई पूछताछ में उसने बताया कि इस समय गांव की एक विधवा महिला उसकी तीसरी टारगेट थी, अगर वो भी इनकार कर देती तो उसकी भी मौत पक्की थी। हालांकि साइंस लैंग्वेज एक्सपर्ट की मदद से मामला सुलझा कर पुलिस ने तीसरी मौत होने से बचा लिया है।